स्वास्तिक हमारे लिए गाने वाले हैं। हो जाए। Wow, come on. से disco, disco, disco. I am a disco dancer. Da da da. Zindagi mera gaana. Ba 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 ba. Main isi ka deewana. Ba 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 ba. To jhoomo, o nacho, aur mere saath nacho, go. I am a disco dancer. Ba 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 ba. I am a disco dancer. दो गानों की कहानी सुनाता हूं। क्या बात? वाह। आशा भोसले जी बताती हैं कि बप्पी दा ने जब किशोर दा से कहा कि फिल्म शराबी में अमिताभ बच्चन शराब पीकर इंतहा हो गई इंतजार की गाएंगे तो किशोर दा ने कहा कि शराबी लोग ठीक से खड़े होकर नहीं गाते, इसीलिए मैं ये गाना लेट कर गाऊंगा। कोई और म्यूजिक डायरेक्टर होता तो पागल हो जाता, पर बप्पी दा को खुद पर और किशोर दा दोनों पर कॉन्फिडेंस था। इन्होंने उनके लेटने के लिए टेबल मंगवाया। एंड कैन यू बिलीव इट कि इतना आइकॉनिक और इतना महामुश्किल गाना उन्होंने लेट कर रिकॉर्ड किया है। क्या बात? और ये गाना ब्लॉकबस्टर हिट था, हिट है और हिट रहेगा, है ना बप्पी दा? है ना बप्पी दा? ये जो बोला था तुमने, इंतहा हो गई। जी सर, इसका अजीब है। उस दिन थोड़ा मामा का दाढ़ी, माने मेरा तो मामा जी थे ना। जी बिल्कुल, शोर मामा जी। तो मामा का दाढ़ी बड़ा हो गया था कि बोलते हैं एचएमएम में तू रिकॉर्डिंग कर रहा है। जी गोड़ी कुंज से निकलते निकलते मेरा दाढ़ी बढ़ जाता है। इंतहा हो गई गाना सुनो, बहुत अच्छा लगा। तो आज बापी मेरा मूड हो रहा है, मैं सोते सोते गाऊ, सोते सोते कैसे गाएगी? तो फिर इसमें तो आशा जी भी है, आशा जी भी गा रहे, तो कुछ नहीं होगा। मैं आशा को मैं बोल देता हूँ, वो क्या किया, एक सुबह का बेड होता है, सुबह का बेड मांगा लिया, उधर बैठे सोते। इंतहा हो गई इंतजार की, उसका स्टाइल था मामा का। क्या बात, क्या बात है। बप्पी दा अपने फैंस के लिए म्यूजिकल सुपरस्टार, म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए इंस्पिरेशन और सिंगर्स के लिए एक ख्वाब है, एक मंजिल है। पर अपने परिवार के लिए ये क्या है, जानते हैं इनके परिवार से। नमस्ते, मेरा नाम है स्वास्तिक बंसाल एंड आई एम द ग्रैंडसन ऑफ द वर्ल्ड फेमस द लिविंग लेजेंड ऑफ ऑल टाइम पप्पी लाहिरी। सो क्यूट। मेरे दादू के पास इतने सारे अवार्ड है कि आपको 10 घंटे लग जाएंगे कि एक पूरा दिन लग जाएगा आपको काउंट करते करते करते। और ये सबसे ज्यादा फेमस गाना है, जिमी जिमी आजा आजा, इट्स नंबर 1। मी दादू है 6900 सॉन्ग, उसमें से ये पहला नंबर है। ये है सबसे स्पेशल चेयर, ये है मेरा और मेरे दादू का थ्रोन, उसमें सिर्फ मैं और मेरा दादू ही बैठ सकता है। अभी ये आइकॉनिक रिकॉर्डिंग रूम है दादा का, ये है चेयर, ये आइकॉनिक चेयर, इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज बैठे हैं जैसे आशा जी, लता जी, अमिताभ बच्चन जी एंड द मोस्ट पॉपुलर ऑफ द डांसर ऑफ हिज ओन, वाहू, ये मिथुन चक्रवर्ती जी।
जो भी नंबर वन हिट्स है बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबके अवार्ड इधर है। डैड के बारे में मैं कुछ भी बोलूं तो कमी होगा, वो एक ग्रेट फादर है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। मैं बहुत ही लकी हूँ उनकी बेटी होके जन्मी हूँ। वो इतने अच्छे फादर है, मतलब ऐसे कोई चीज नहीं है जो हमारे डैडी ने हमें नहीं दिया है, मुझे और मेरे भाई पप्पा को। और खाली इतना ही नहीं, जब मैं बीमार होती थी, मेरे पापा जितने भी बिजी हो वो ऑलवेज मेरे हाथ पकड़ के मेरे साथ रहते थे, ऑलवेज। डैडी तो मेरे डैडी है, भगवान करे उनको 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 भगवान और उनको म्यूजिक देने और लोगों को नचाने की आशीर्वाद दे। I really miss you, Dad. I know it's been एक साल से ज़्यादा हो गया जो मैं लॉस एंजलिस में हूँ और हम मिल नहीं पाए बिकॉज हालात ऐसे हैं, बट बहुत जल्द मैं आना चाहता हूँ। एंड आई रियली मिस यू डैड, आई लव यू एंड आई होप टू सी यू वेरी सून रॉकिंग अवे। You, Dadu, you are the best in the world. I love you. You are so good. Whoa! Wow, Bappida! Wow! Kya baat? बप्पिदा, ये आपका इतना इमोशनल जो वीडियो है वो देखकर हम लोगों को इतना इतना अच्छा लगा है आज कि आपका जो ग्रैंडसन है ना वो तो कमाल है और मैं देख रहा हूँ कि वो यहीं पे बैठा हुआ है। स्वास्तिक, ही इज सुपर क्यूट और सुपर कॉन्फिडेंस। तुम इतने से बच्चे हो और तुम तो इतने कॉन्फिडेंट हो स्वास्तिक। सर ये इतना इमोशनल हो गया स्वास्तिक वीडियो देखकर। स्वास्तिक आप स्टेज पे आइए, आप माइक आपके पास है, आप स्टेज पे आइए। स्वास्तिक यू सो क्यूट यार, एकदम छोटे बप्पीदा लग रहे हैं। बिकेम इमोशनल। सात्विक, अपने दादू के बारे में हमें लाइव बताइए, क्योंकि ये दुनिया के बेस्ट दादू हैं। गाना सुना दो। मेरे दादू सबसे अच्छे दादू हैं। इनसे अच्छे दादू हो ही नहीं सकते दुनिया। अच्छा अच्छा चलो सुना सुना। FTII से एक यंग लड़का एक्टर बनने के सपने लिए मुंबई आया था। पहली बार ये अच्छा हुआ कि वो लड़का कामयाब एक्टर नहीं बन पाया, वरना हिंदी फिल्मों को इतना काबिल डायरेक्टर कहां मिलता। जब 1999 में बिल क्लिंटन इंडिया आए थे, उनके साथ इनका परिचय बतौर इंडिया के नंबर वन डायरेक्टर हुआ था। आज ये हमारा सौभाग्य है कि इस विशेष अतिथि के लिए हम कुछ कर रहे हैं। Here is a Subhash Ghai tribute, संगीत के सुनहरे कल की ओर से। जाने दे मुझको दिल के तू दरवाजे को। बोल बाबा बोल, रॉक एंड रोल। बोल बोल बोल, रॉक एंड रोल। वो जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जीत जाए
थैंक यू सर। और जाने से पहले कल यानी कि 24 जनवरी को सर का बर्थडे है, तो इंडियन आइडल की पूरी टीम की तरफ से आपको अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.